या कोई भी मीटिंग जो ऑडियो विजुअल मीन से हो रही है ना, उसे वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो मीटिंग चल रही है, हम जो पढ़ रहे हैं जूम से, वो भी क्या एक तरह का आप देखोगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स ही है। तो हमारी होने वाली मीटिंग है, हम जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या एक तरह से वर्चुअल मीटिंग है कि नहीं है। ये सब तो बेसिकली चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि वर्चुअल मीटिंग क्या है। इसमें अगर वर्चुअल मीटिंग होगी तो सीएसईएस की क्या ड्यूटी होती है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होती है, वर्चुअल मीटिंग के अपने फायदे क्या है और नुकसान क्या है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने पर वर्चुअल मीटिंग खत्म होगा। बहुत आसान सा है, ध्यान से देखना, अच्छे समझना। पहले मीनिंग पर आ जाते हैं वर्चुअल मीटिंग की। अ मीटिंग टोटली बाय मीन्स ऑफ आइदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन इज नोन एज वर्चुअल मीटिंग। A virtual meeting is when people around the world, regardless of their location, use audio, video, and text to link up online. आपको पूरी लाइन समझ आई कि नहीं है? एक मीटिंग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से होती है, यहाँ पर दुनिया का कोई भी पर्सन वीडियो से या ऑडियो से या बाय टेक्स्ट आपसे जुड़ सकता है, उसे वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं। आप बता दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? तो ये मीटिंग जो होती है बेसिकली होती कैसी कैसी है, या तो बेटा ये पूरी तरह से ऑडियो या वीडियो बेस्ड होगी। ऑडियो या वीडियो बेस्ड होने का मतलब ये होता है कि कैमरा चालू रहेगा, उसमें आप क्या है अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर पाओगे, चैट कर पाओगे, व्हाइट बोर्ड दिखता रहेगा, जैसे अभी आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। या तो ये कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकता है, फोन पे कभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करें? हाँ बिल्कुल, आप सब करे होंगे। आप लोगों को ऐड करते जाओ, तीन चार लोग फोन पे एक साथ भी बात कर दो, वो भी एक तरीका है वर्चुअल मीटिंग का। या तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब ऑडियो और वीडियो जो है दोनों ही चलता रहेगा। आप बताओ, ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? अब हाँ जी सर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं सर। नहीं सर। चलो, अगर ये समझ आ गया है तो हम ये आते हैं कि आज की डेट में अगर आपको एक वर्चुअल मीटिंग करनी है तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है वर्चुअल मीटिंग के लिए। ठीक है, आज मैं बोलता हूँ कि मुझे आप लोग को पढ़ाना है तो एक रूम तो होना चाहिए, कम से कम इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? अगर ऑनलाइन पढ़ाना है तो होना चाहिए कि नहीं होना? सिमिलरली अगर आपको एक कंपनी की वर्चुअल मीटिंग करनी है तो ये सारी चीज आपके कम से कम होनी चाहिए, पूरा प्रॉपर मीटिंग रूम होना चाहिए। सेकेंड, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको आपने खरीद लिया, जैसे अपना जूम तो फर्जी है, 40 मिनट वाला चलता है, लेकिन अगर एक अच्छी कंपनी चला रहे हो तो आप एक सॉफ्टवेयर खरीद लो, जैसे स्काइप ले लो या गूगल मीट ले लो, ये आपको परचेज कर देना चाहिए। कितनी समझ आई मेरी बात? देन आपके पास हार्डवेयर में मॉनिटर होना चाहिए, एलईडी स्क्रीन होना चाहिए, वेबकैम होनी चाहिए, एक अच्छा माइक सिस्टम होना चाहिए ताकि आपकी बात जो है लोगों तक एकदम क्लियरली जा सके, चीजों को प्रेजेंट करने के लिए प्रोजेक्टर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर होना चाहिए, लीज्ड लाइन या लैंडलाइन फोन होना चाहिए, लैंडलाइन कनेक्शन होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि कल को कोई मेंबर मांग दे कि भाई मीटिंग की मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप स्टोर करके रखा रहो और उसको रिकॉर्डिंग दे देना। मीटिंग चालू करने से पहले ट्रायल रन जरूर कर दो, हेलो हेलो, चेक चेक चेक, माइक टेस्टिंग वाला, और एक प्रॉपर अरेंजमेंट रखो मीटिंग का कि ढंग से मीटिंग कंप्लीट हो सके। फिर रिपीट करते हैं, देखो एक मीटिंग रूम रखो, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप क्या कर सको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सको, हार्डवेयर होना चाहिए, माइक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर होना चाहिए, लैंडलाइन होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होना चाहिए। पहले से ट्रायल रन कर दो मीटिंग चालू करने से पहले, और मीटिंग रूम में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, ये सारी बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? आगे से इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ये क्लियर हो गया आपको? हाँ। अब ये नीचे की लाइन ना थोड़ा सा तिकड़ा, मैं इससे एग्जाम में ना 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वर्चुअल मीटिंग स्पेस क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे आपको नहीं शो रहा होगा, मुझे शो हो रहा है कि आपके लिए एक स्क्रीन शेयर है और उसमें 11 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, जिसमें एक मैं हूं और 10 आप लोग हो। एग्री करते हो? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आप भी पार्टिसिपेंट्स को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? तो अब जैसे आपने कनेक्ट किया होगा तो आपको एक लिंक दिया गया होगा आईडी पासवर्ड की, ऐसे ही कनेक्ट हो गए अपने आप? हाँ
आईडी पासवर्ड दिया होगा। इस आईडी पासवर्ड से जब हम जुड़े तो हमारी मीटिंग चल पा रही है। तो जब भी याद रखना कोई वर्चुअल मीटिंग होगी तो उसमें क्या किया जाएगा, आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया जाएगा, मतलब आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिसके थ्रू दुनिया में आप कहीं भी बैठे हो आप मीटिंग को जो है अटेंड कर पाओगे, ठीक है। और यही जो है वर्चुअल मीटिंग स्पेस कहलाता है। अभी जो 40 मिनट की हमारी मीटिंग चल रही है जिसमें हम 11 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, यह हमारा एक वर्चुअल मीटिंग स्पेस है जहां सभी के पास यूनिक लॉगिन आईडी पासवर्ड है और वो हमसे क्या है जुड़ पा रहा है। क्या आपको वर्चुअल मीटिंग स्पेस का मतलब समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। अभी तक चैप्टर कैसा लगा, टफ है क्या? नहीं, चैप्टर टफ है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने ये पढ़ दिया तो अब इसके बाद क्या करना, आप आना कि आप अगर कंपनी के चेयर पर्सन या कंपनी सेक्रेटरी हो तो वर्चुअल मीटिंग के समय आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपकी क्या क्या ड्यूटी बनती है। ये एक जनरल थियोरी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि यार कंपनी में वर्चुअल मीटिंग होने वाली है तो उसमें सीएस क्या करेगा। तो सबसे पहले तो भाई वो ये देखेगा कि मीटिंग की इंटीग्रिटी बनी रहे, कोई बदमाश पर्सन मीटिंग में ना घुस जाए, पता लगा कुछ भी पू बजा रहा है तो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी ढंग से। तो सबसे पहली बात तो सीएस या चेयर पर्सन को जिम्मेदारी दी गई है कि मीटिंग की इंटीग्रिटी बनाकर रखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बनाएंगे, मतलब हर कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, जिसके पास आईडी पासवर्ड है वही कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड, ये एंश्योर करेंगे कि ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारे इक्विपमेंट रेडी हैं। थर्ड, वो मीटिंग का मिनट प्रिपेयर कर देंगे। फोर्थ, मीटिंग की वो बराबर पूरी टेप रिकॉर्डिंग रखेंगे और स्टोरेज रूम में उसको संभाल के रखेंगे। पहले बताओ चार पॉइंट समझ आए कि नहीं। सबसे पहले मीटिंग की इंटीग्रिटी मेंटेन करें, ये एंश्योर करें कि मीटिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट है, मीटिंग के मिनट बनाने की व्यवस्था करके रखे हैं और मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको बराबर स्टोर करके रखेंगे। चार पॉइंट समझ आए कि गए सिर के ऊपर से? चार पॉइंट समझ आ गए। पांचवा पॉइंट, ये एंश्योर करेंगे कि मेंबर या डायरेक्टर के अलावा कोई भी बाहरी पर्सन जो है इस मीटिंग को अटेंड ना करे, ठीक है। आप बता दो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छे से। लास्ट थिंग, ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी लोग मीटिंग से जुड़े हैं सभी लोग एक दूसरे को देख सके और सुन सके, हियर कर सके और सी कर सके, ठीक है। और अगर कोई मेंबर या बोर्ड का डायरेक्टर डिफरेंटली एबल्ड है, दिव्यांग है, तो उसके लिए क्या अलग से फैसिलिटी भी रखी जाएगी। अब ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आपको 7 नंबर का पूछ देता है कि आप एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, कंपनी में वर्चुअल मीटिंग होनी है तो आपको क्या क्या करना है। आप एक बार शांत मन से पढ़ लो, इसको कोई डाउट हो तो बताओ कि सर ये वाली बात एक और बार बता दो, हमको नहीं समझ आई। आप इसको देख लो, ऐसी क्या चीज है इसमें जो आपको नहीं समझ आई, आप बताओ मेरे को तो आगे बढ़े। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? ए हाँ सर। नंदनी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अंकिता कहाँ है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। अब जैसे आपने क्या क्या पढ़ दिया चैप्टर में, आपने पढ़ा वर्चुअल मीटिंग क्या है, आपने पढ़ा वर्चुअल मीटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने पढ़ा वर्चुअल मीटिंग स्पेस क्या होता है, और आपने ये पढ़ा कि रोल ऑफ चेयर पर्सन क्या है। इतना करने के बाद अब आप क्या करिए, आगे बढ़िएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ना, क्योंकि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पढ़ना है कि ऐसे कौन से मैटर होते हैं जिसको आप वर्चुअल मीटिंग से डील नहीं कर सकते। मैटर नॉट टू बी डेल्ट इन वर्चुअल मीटिंग, और इसका अपना लॉजिक भी है।
इतना बस याद रखना, कोई भी ऐसा मैटर जो कंपनी के फाइनेंस से या फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करता है उसको आप वर्चुअल मीटिंग से डील नहीं कर सकते। जैसे कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवानी है, मतलब बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, अगर ये अप्रूव करवाना है तो डायरेक्टर्स को पर्सनली मीटिंग में आके उसको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज वर्चुअली नहीं हो सकती। सिमिलरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट बनाई है, उसको वो अप्रूव करना चाहते हैं तो फिजिकली मीटिंग में आना होगा, ये चीज वर्चुअल मीटिंग से नहीं होगी। थर्ड थिंग, कंपनी को अभी शेयर इशू करना है तो प्रोस्पेक्टस बनाया गया है, तो प्रोस्पेक्टस को एक बार पढ़ना है कि वो सही बना है कि नहीं, तो फिजिकली आना पड़ेगा, इसके लिए वर्चुअल मीटिंग अलाउ नहीं है। पहले बताओ तीन पॉइंट समझ आए कि नहीं है, पहले बताओ ये तीन पॉइंट समझ आए कि नहीं, किन मैटर के लिए आप वर्चुअल मीटिंग नहीं कर सकते। पहला, जब बैलेंस शीट P&L को अप्रूव करने की बात आए। दूसरा, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को अप्रूव करने की बात आए। तीसरा, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करने की बात आए, तो इसमें बैठ के पढ़ना पड़ता है एक एक पॉइंट को, आप वर्चुअली डिसाइड नहीं कर सकते। आप हाँ या ना में बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं है? आ गई सर। आ गई। वैसे अगर ऑडिट कमेटी की मीटिंग है, और ये मीटिंग इसलिए बुलाई जा रही है ताकि बैलेंस शीट P&L मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाए, मतलब पढ़ा जाए, तो बेसिकली ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को फिजिकली आना पड़ेगा, वर्चुअली नहीं आना पड़ेगा। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, फिर बता दो। तो भाई आपके अकाउंट्स बने, अकाउंट्स को CA ने मतलब ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया। अब आपकी कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है तो वो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, इन सारे अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैठ के चेक करेगी, तो चेक करने के लिए फिजिकली ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को आना पड़ेगा, वर्चुअल मीटिंग से चीज नहीं हो पाएगी। वैसे अगर कंपनी को अमालगमेशन करना है या मर्जर करना है या डीमर्जर करना है या किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है तो पूरी अपनी एक स्कीम बनाई जाती है इसके लिए, तो घर बैठे ये स्कीम नहीं बन सकती वर्चुअली, आपको फिजिकली क्या करना होगा, ऑफिस में आके मीटिंग अटेंड करनी होगी। तो ये सारे ऐसे मैटर है जिसके लिए वर्चुअल मीटिंग अलाउ नहीं है, इसके लिए आपको फिजिकली आना पड़ेगा। आप बताओ, आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? ये VVIMP है, एकदम अच्छे से इसको पढ़ देना, कौन से ऐसे मैटर है जो वर्चुअल मीटिंग में डील नहीं होते। बिना देखे बता पाओगे कौन कौन से मैटर है? बोलो। मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, अप्रूवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस, और ऑडिट कमिटी, मर्जर अमालगमेशन बोर्ड, मर्जर अमालगमेशन बोर्ड। समझ जाओगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। नहीं, आप नीचे आओ फायदे और नुकसान पे, कि अगर वर्चुअल मीटिंग की जाए तो क्या फायदा है क्या नुकसान है। देखो बहुत आसान है, तो आप ओन वर्ड्स में भी कर सकते हो। देखो, वर्चुअल मीटिंग होगी तो ज्यादा शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिनका घर दूर पड़ता है या जो फिजिकली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते थे, वर्चुअल मीटिंग होने से वो भी अब मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। सही बात है, गलत बात है? यस सर। दूसरा, जो ट्रैवलिंग का टाइम और कॉस्ट है, ये सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स जो है आपकी मीटिंग अटेंड करने आ जाएंगे। नेक्स्ट, शेयर होल्डर को एक एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते थे अब वो मीटिंग को एक्सेस करने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक दिन में आप एक से अधिक मीटिंग अटेंड कर पाओगे। अब जैसे दो तीन कंपनी के शेयर होल्डर हो, अब एक ही दिन दो जगह मीटिंग पड़ गई, तो अब क्या है, वर्चुअल है तो आप अभी एक टाइम में एक जगह करें फिर दूसरी भी कर सकते हो। सही बात है, गलत बात? आपको सारे पॉइंट समझ आए कि गए सिर के ऊपर से? नेक्स्ट, मीटिंग का भी खर्चा कम हो जाता है। क्या होता है वो ना, वेन्यू बुक करो, स्टेशनरी लाओ, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, समोसा पानी का खर्चा, ये सब बहुत बढ़ जाता था। वर्चुअल मीटिंग में तो समोसा भी नहीं खिलाने की जरूरत है, घर बैठे चल रहा है बढ़िया कंप्यूटर से, खर्चा बचा कि नहीं बचा? और पर्सनल्स का, पर्सनल्स का मतलब होता है एम्प्लॉइज का भी समय बचता है। CS दूसरे काम में ध्यान देगा ना, वर्चुअल मीटिंग चालू करके छोड़ देगा, जिसको चालू करना चलाना चलाओ। आई मेरी बात समझ में? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ आया, ये बताओ? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ आया, बोलो? रिशिता, साक्षी, श्रुति, गुंजा, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? क्या सर, पूरा क्लियर है? क्या मतलब होता है इस शब्द का, बताओ तो, अगर समझ आ गया है तो।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है? अब आप तो बोल रहे हो ना, समझ आ गया, तो बताओ सर। जो कंपनी होती है इन्वेस्ट करने के लिए हमारी कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। तो इनका इन्वेस्टमेंट बहुत सी कंपनी में है, तो मीटिंग्स भी बहुत सारी अटेंड करनी पड़ती है, तो एक दिन में फिर ये क्या है, कई वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर पाते हैं, ये फायदा है। अच्छा, अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं। तो वर्चुअल मीटिंग का नुकसान क्या है? सबसे पहला सिक्योरिटी, जूम हैक हो जाता है बीच बीच में, कोई भी आके ज्वाइन कर देता है, उससे पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताओ। दूसरा स्ट्रीमिंग क्वालिटी की दिक्कत, इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो रहा तो कभी आवाज ढंग से नहीं आएगी, कभी वीडियो ढंग से नहीं आएगा, होता है कैसा? इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड सिक्योर नहीं होता, किसी और को मिल गया तो आपकी जगह वो मीटिंग अटेंड कर देगा, सही बात है गलत बात? वोटिंग करवाना दिक्कत है, कई लोग को वोटिंग करना ही नहीं आता, ऑनलाइन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कितना क्लियर है? चार डिसएडवांटेज समझ आए कि नहीं है? हाँ सर। तो ये सिर्फ चार ही पढ़ना, ये सिर्फ चार ही पढ़ना डिसएडवांटेज, उससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। उसके नीचे आना हाइब्रिड मीटिंग के कंसेप्ट पर। बेटा हाइब्रिड मीटिंग से शॉर्ट नोट आ सकता है आपको 3 मार्क या 5 मार्क। हाइब्रिड मीटिंग मतलब वो मीटिंग होती है जिसमें मेंबर को चॉइस दी जाती है कि वो चाहे तो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं और चाहे तो पर्सनली भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग के नोटिस में मैंने ये बात कह दी है कि आपके पास ऑप्शन है वर्चुअली अटेंड करने का भी, तो इसका मतलब ये है कि जब मीटिंग होगी तो कुछ लोग आएंगे फिजिकली और कुछ लोग आएंगे वर्चुअली। तो हमारी मीटिंग क्या हो जाएगी? हाइब्रिड, हाइब्रिड मीटिंग। आपसे कोई भी पूछे हाइब्रिड मीटिंग क्या है तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? यस सर। इतना क्लियर हुआ चैप्टर? क्लियर है सर। अब ऊपर आओ, ध्यान से देखो, लास्ट टॉपिक करो और चैप्टर एंड करो। किस तरह से ऑडियो या विजुअल मीन से बोर्ड मीटिंग बुलाई जा सकती है? ये टॉपिक याद है, बोर्ड मीटिंग चैप्टर में ने स्टार बना दिया था कि वर्चुअल मीटिंग में पढ़ेंगे, है ना, वही चीज अब देखो यहाँ पर मिल गई है, तो यहाँ पे कर दे रहे तो वहां पे खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। रूल 3 जो है कंपनीज मीटिंग एंड बोर्ड ऑफ इट्स पावर रूल 2014, ये कहता है बेसिकली कि अगर आपको ऑडियो विजुअल मीन से बोर्ड मीटिंग बुलवाना है, क्या बुलवाना है? बोर्ड मीटिंग। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इन प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना होगा और इस लाइन को ऊपर टिक कर दो, डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन द मीटिंग आइदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डायरेक्टर जो है पर्सनली भी आ सकते हैं मीटिंग में और किस तरह से आ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। पहले बोलो इतनी बार समझ आई कि नहीं आई? आ गई? फिर बोलू क्या भाई? बोर्ड मीटिंग करनी है ऑडियो या विजुअल मीन से तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे, हमको ये पढ़ना है। शुरू करें पढ़ना? Yes, sir. सबसे पहला हर कंपनी को एंश्योर करना होगा कि उसके प्रॉपर अरेंजमेंट हो ताकि वीडियो या ऑडियो विजुअल कनेक्शन बीच में फेल ना हो। मतलब आपको 24 घंटे इन्वर्टर रखना पड़ेगा, ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए कि वीडियो फेलियर ना हो। जैसे लाइट चली गई, अब लाइट चली गई तो मीटिंग तो बीच में रुक जाएगी ना, तो 24 आवर पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि मीटिंग बीच में फेल ना हो। फर्स्ट थिंग समझ आई कि नहीं आई? यस सर। सेकंड, चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ड्यू एंड रीजनेबल केयर दे, ठीक है, किस बात का, कि मीटिंग ढंग से हो पाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। थर्ड, सारे डायरेक्टरों को आप नोटिस भेज दो। क्या भेज दो? नोटिस। कितने दिन पहले भेजते हैं? 21 days. Yeah. 21. अरे members को 21 दिन पहले भेजा जाता है, डायरेक्टर को 7 दिन पहले भेजा जाता है। 7 days.
ये खिचड़ी मत करना, उसको अभी प्रैक्टिस करना, पढ़ दो एक बार नोट्स को अच्छे से, कॉपी में भी एकदम अच्छे से दिखाया हूँ। जनरल मीटिंग का नोटिस क्लियर 21 डेज पे दे जाता है। क्लियर वर्ड के अपने मायने है, आपको पता है कि नहीं क्या होता है क्लियर का मतलब? और बोर्ड मीटिंग में कोई क्लियर वर्ड यूज नहीं होता, वहां पर बोला जाता है 7 दिन का नोटिस देना है। कितने दिन का नोटिस देना है? 7 days। तो देखो प्रोसीजर, सबसे पहले तो अरेंजमेंट कर दो कि कोई ऑडियो विजुअल फेलियर ना हो। चेयरपर्सन और सीएस को जिम्मेदारी सौंप दो, बराबर केयर करेंगे। नोटिस सारे डायरेक्टर को भेज दो। जब नोटिस भेजोगे तो ये अभी थर्ड पॉइंट ही चल रहा है, नोटिस भेजो और उसमें ये ऑप्शन दे दो डायरेक्टर्स को कि वो चाहे तो ऑडियो विजुअल मीन से क्या कर सकेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? अब जिनको ये ऑप्शन दिया गया है वो चाहे तो मीटिंग के पहले ही कंपनी को ये कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि हम लोग जो है अपनी मीटिंग कैसे अटेंड करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना चाहते हैं। आप बता दीजिए कोई दिक्कत? चलिए पूरी बात रिपीट करते हैं। सबसे पहला कंपनी ने पॉइंट नंबर 1 अरेंजमेंट कर लिया कि ताकि कोई फेलियर ना हो। पॉइंट नंबर 2 चेयरमैन और सीएस देखेंगे कि सब चीज ठीक रहे। पॉइंट नंबर 3 एक्सटेंडेड पॉइंट है, सबसे पहले डायरेक्टरों को नोटिस भेजो। 3A 3B क्या बोलता है? 3B बोलता है कि नोटिस में लिख के दे दो डायरेक्टरों को कि वो चाहे तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑडियो विजुअल मीन से। 3C जो भी डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मीन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता है वो ये बात चेयरमैन या कंपनी सेक्रेटरी को बता देगा। आप बताओ कहीं कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। 3D इमीडिएट मीटिंग के दिन नहीं बताना है, प्रायर इंटीमेशन देना है, पहले से बताना है ताकि कंपनी इस चीज का क्या कर सके, अरेंजमेंट कर सके आपके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, आपको आईडी पासवर्ड भेजा जा सके। और 3E अगर आपने इंटीमेट नहीं किया है तो यह माना जाएगा कि आप पर्सनली मीटिंग अटेंड कर रहे हो। आप बताओ पॉइंट नंबर 3 के 5 पॉइंट समझ आए कि नहीं है? यस सर। आ गए? बाकी लोग को समझ आया कि नहीं आया? गुंजा, श्रुति, नंदनी, क्लियर है? अब भाई नोटिस चला गया, जो डायरेक्टर चाहे वो बोल के आ सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अब मीटिंग चालू होगी तो चेयरमैन क्या करेगा? रोल कॉल करेगा। रोल कॉल करने का जब अटेंडेंस कॉल करेगा, जैसे मैं बोलता हूँ हाँ भाई अभी हमारे साथ कौन कौन है, तनीषा तुम कहाँ पर हो बताओ, अपना नेम बताओ, अपनी लोकेशन बताओ, क्या आप हमें देख और सुन पा रहे हो, क्या आपको हमारा एजेंडा मिला कि नहीं मिला, और आपके साथ और कोई मीटिंग तो अटेंड नहीं कर रहा है। तो जैसे अभी मैं मीटिंग का चेयरमैन हूं तो मेरा रोल कॉल का पैटर्न ऐसा होगा, मीटिंग चालू हो गई है, मैं आप में से किसी से भी, जैसे वेदिका से पूछता हूं मैं, वेदिका अपना नाम बताओ, क्या है तुम्हारा नाम बोलो? वेदिका अग्रवाल। तुम किस लोकेशन पे हो अभी? गंजपारा। अरे बाबा दुर्ग में, ठीक है। क्या तुम देख और सुन पा रहे हो? यस सर। हमारी मीटिंग का एजेंडा मिल गया कि नहीं मिला? यस सर। और एक बार रूम में कैमरा घुमा दो, तुम्हारे अलावा और कोई रूम में तो नहीं है, इतनी बातें की जाती है। बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक, अब भाई रोल कॉल हो गया, चेयरमैन सेटिस्फाइड हो गया कि ये मेंबर जो वर्चुअल मीटिंग से है। अब क्या करेगा वो? बोर्ड में जो फिजिकली प्रेजेंट है उन लोगों को ये बात इन्फॉर्म कर देगा कि ये जो फलाने पर्सन है ये पर्सनली मीटिंग में नहीं आए हैं, ये कैसे आए हैं, वर्चुअल मीटिंग से आए हैं, तो मिलाकर कोरम कंप्लीट होता है। आप बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? फाइव का ए पॉइंट पढ़ना नोट्स में, ये बी मत पढ़ना और 6 पॉइंट मत पढ़ना, ठीक है? ये हो गया। पहले बताओ इतने पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? और फिफ्थ वाला एक बार, कौन सा भाई? जब रोल हो गया, देखो आपकी अटेंडेंस जैसे अमेरिका मैंने आपकी दे दी, तो जो चेयर पर्सन है मीटिंग में जो फिजिकली है उन लोग को बता देगा कि आपके अलावा कुछ लोग वर्चुअल मीटिंग में भी हैं और ये सारे लोग हैं, तो आपको और वर्चुअल मीटिंग वाले लोगों को मिलाकर जो है वो मीटिंग का कोरम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट। आप बताओ इसमें कोई तकलीफ आपको? नहीं, क्लियर है? हाँ सर। हो गया। अब इसके बाद आठवां पॉइंट करना कि कोई भी पार्टिसिपेंट बोलने से पहले अपने आप को आइडेंटिफाई जरूर करवाएगा। अगर आप वर्चुअली बैठ रहे हो ना
तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बात पर डिस्कस करने से पहले आप अपना आइडेंटिफिकेशन दो। मैं जमशेद खान ये बात कहना चाहता हूँ, मैं नंदनी वर्मा ये बात कहना चाहती हूँ, पहले अपना नाम बताना फिर मैटर डिस्कस करना। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। जिम्मेदारी नौवां पॉइंट, जब वोट करोगे तो वोट करने से पहले अपना नाम बोलना फिर वोट करना। मैं अमन चंद्राकर, मेरा वोट हाँ या ना में है, ऐसा बोलना पड़ेगा। कितना क्लियर है? क्लियर सर। तो आप जब डिस्कस कर रहे हो तो भी आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है, और जब वोट कर रहे हो तो भी बतानी है। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आठ और नौ पॉइंट क्लियर है। अब इलेवंथ पॉइंट करना, जब डिस्कशन का एंड हो जाएगा तो जो चेयर पर्सन है वो अनाउंस करेगा कि क्या डिसीजन जो है मेजोरिटी ने दिया है, और उसके बाद मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उसी चीज का क्या बना दिया जाएगा, मिनट बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? आप बताओ, कितना समझ आया आपको? क्लियर है आया ना? इतने पॉइंट में प्रोसीजर को पढ़ना है। अब आप अपने नोट्स में सम्मान मार्किंग करो। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 का पूरा पांचों पढ़ना, एफ तक, कर ईव तक कर पाओगे? फोर्थ पॉइंट पढ़ना, फिफ्थ पॉइंट पढ़ना, फिफ्थ पॉइंट में सिर्फ ए पॉइंट पढ़ना, ये नोट्स में मार्किंग करो। आगे बढ़ू? अब इसके बाद आठवां पॉइंट, नौवां पॉइंट, ग्यारहवां पॉइंट, बोलो कोई तकलीफ? कर दिए टिक? सर सर बस ये खत्म हो गया, इतना था ये चैप्टर वर्चुअल मीटिंग। क्या था? वर्चुअल मीटिंग चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब पार्ट बेटा, इसके पहले वाला लेक्चर नहीं भेजे आप? आप पता है मुझे, आज भेजूंगा ना दोनों को एक साथ। श्रुति ने मुझे बोला था, मेरे ध्यान उसको भी बोला था कि आज भेज दूंगा, ठीक है। मतलब जो परसों से नोट लेने जाने, हां चले जाना, एक बार फोन कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा उनसे, और है ना? ठीक है। कभी ऐसा मारा मारी है, पता नहीं लोग दुकान खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्या है, मैं उनसे पूछ लूंगा एक बार, अगर खोलेंगे। ठीक है, ठीक है? अच्छा, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब ये ईमानदारी से बताओ, ये सारी चीज तुम लोग की हो गई है कि नहीं हुई है? डायरेक्टर्स बेसिक कंप्लीट हो गया अपना, नहीं हुआ? यस सर। बोर्ड एंड इट्स पावर, हाँ आपको आता है कि नहीं आता? सर। बोर्ड मीटिंग, हाँ जनरल, हाँ वर्चुअल मीटिंग, यस सर। पार्ट बी में टोटल 6 चैप्टर, आपके कितने कंप्लीट हो गए? एक कल सुबह करेंगे, KMP, क्या पढ़ने वाले हैं? KMP, की मैनेजेरियल पर्सनल, क्या पढ़ने वाले हैं? की मैनेजेरियल पर्सनल। इसको करने के बाद पूरा आपका ये जो 40 मार्क है ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पार्ट सी आपका कंप्लीट हो गया है? पार्ट सी आपका कंप्लीट हो गया, हाँ या ना? यस सर। इसमें क्या क्या पढ़ दियो? CS पढ़ डाले हो और मल्टीडिसिप्लिनरी फॉर्म MDF पढ़ डाले हो, गया आपका कंप्लीट? हाँ सर। तो आपका ये कंपनी का 50% जो है वो कल खत्म हो जाना है। कब खत्म हो जाना है? कल। फिर हम क्या शुरू करने वाले हैं? ठीक है, आज हम लोग शाम को कितने बजे मिल रहे हैं? 8:45। क्यों मिल रहे हैं? फिर क्वेश्चन पेपर देखने। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
पढ़ना पड़ेगा, इसको रीड करके आना, एकदम ब्लैंक मत रहना, इसके एक एक लाइन को पढ़ देना नोट्स की, और शाम को अटेंड करो आज 8:45 को सभी लोग, ठीक है बेटा? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? ये करो, ये रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ मैं। यस सर।